चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे समसामयिक की घटना चक्र वार्षिकांक 2019 को देख रहे हैं। इसमें हम लोग बात कर रहे थे वैज्ञानिक परिदृश्य के बारे में, ठीक है। तो इसमें हम लोग पहला टॉपिक देखा था वैज्ञानिक परिदृश्य में अद्यतन खगोलीय गतिविधियां, ये खत्म कर चुके थे। अब दूसरा चैप्टर है हमारा अद्यतन तकनीकी तकनीक एवं प्रौद्योगिकी, ठीक है। तो चलिए इसे देखते हैं। आपको बता दें जितने भी हम लोग लेक्चर खत्म कर चुके हैं अभी तक समसामयिक घटना चक्र से संबंधित वार्षिकांक, तो ये सभी आप लोगों को एक जगह मिल जाएंगे, वो है हमारी समसामयिक घटना चक्र 2019 के नाम से जो प्लेलिस्ट में सूची बनी हुई, उसी में सभी ये लेक्चर मिल जाएंगे एक जगह। तो चलिए देखते हैं द्रुततम सुपर कंप्यूटरों की टॉप 500 सूची 18 नवंबर 2019 को द्रुततम सुपर कंप्यूटरों की टॉप 500 सूची जारी की है। इस सूची में सूची का 54वां संस्करण है। इस नवीनतम सूची में अमेरिका के सुपर कंप्यूटर समिट को विश्व का द्रुततम फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर घोषित किया गया। लैन पैक बेंचमार्क पर इसकी अधिकतम संसाधन गति 148.6 पेटाफ्लॉप्स है। दूसरे स्थान पर अमेरिका का ही सुपर कंप्यूटर सेरा है, जिसकी संसाधन गति है 94.6 पेटाफ्लॉप्स। टॉप 500 की सूची में भारत के दो सुपर कंप्यूटरों को स्थान मिला है। सूची के अनुसार भारतीय उष्ण देशीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे में स्थापित पित्यूष वर्तमान में भारत का द्रुततम सुपर कंप्यूटर है। टॉप 500 की सूची में इसे 57वां स्थान प्राप्त है। जबकि राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र नोएडा में स्थापित मेहर सुपर कंप्यूटर को टॉप 500 की सूची में सम्मिलित किया गया है, 100वां स्थान दिया गया है इसे, ठीक है। अब बात करते हैं पेगासस स्पाईवेयर। यह एक स्पाईवेयर है जिसे इजरायली कंपनी NSO ग्रुप द्वारा विकसित किया गया। स्पाईवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर को कहा जाता है जो गुप्त रूप से उपयोगकर्ता के मेमोरी स्टोरेज से डेटा निकालकर किसी दूसरे कंप्यूटर या मोबाइल को स्थानांतरित कर देता है। पेगासस सॉफ्टवेयर का उपयोग मुख्य रूप से जासूसी कार्यों में किया जाता है। इसे मात्र एक वेब लिंक द्वारा व्हाट्सएप के माध्यम से मोबाइल फोन में इंस्टॉल किया जा सकता है और इसके द्वारा संबंधित मोबाइल फोन की सभी गतिविधियों को देखा जा सकता है। साथ ही मोबाइल के फीचर्स का उपयोग भी किया जा सकता है। भारत में भी पेगासस के द्वारा जासूसी की खबर सुर्खियों में रही। उल्लेखनीय है कि मई 2019 में व्हाट्सएप के कॉल फंक्शन में एक बग का पता चला था, जिसका प्रयोगकर्ताओं के मोबाइल फोन में एक विद्वेषपूर्ण कोड को इंस्टॉल करने में प्रयास किया गया था। 29 अक्टूबर 2019 को इस विद्वेषपूर्ण कोड को की पेगासस के रूप में पहचान हुई। फेसबुक ने कैलिफोर्निया की एक अदालत में NSO ग्रुप के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। इसमें व्हाट्सएप सर्वरों का उपयोग कर अप्रैल 2019 से मई 2019 के मध्य अमेरिका सहित विश्व के कई देशों में मोबाइल फोनों को संक्रमित किया है। गौरतलब है कि व्हाट्सएप ऐप का स्वामित्व विश्व की सबसे बड़ी सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक के पास है। अगली खबर है हमारी प्रोजेक्ट सॉली। गूगल ने पिक्सल 4 स्मार्टफोन सीरीज में मोशन सेंस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है। इस टेक्नोलॉजी का विकास प्रोजेक्ट सॉली के तहत किया गया। सॉली गूगल की एडवांस टेक्नोलॉजी एंड प्रोजेक्ट समूह द्वारा संचालित एक परियोजना है। इस प्रोजेक्ट के तहत पिक्सल 4 स्मार्टफोन में ईयर मेसन मोशन की सुविधा उपलब्ध कराई गई। इसके तहत छोटे एवं उच्च गति के सेंसरों के उपयोग द्वारा अत्यंत मंद गतिविधि को भी अत्यधिक शुद्धता से रिकॉर्ड किया जा सकता है। प्रोजेक्ट सॉली प्रौद्योगिकी की मदद से प्रयोगता पूर्व निर्धारित पैटर्न में अपने अंगूठे और एवं अंगुलियों को आपस में रगड़कर कंप्यूटर को
निर्देश प्रेषित कर सकते हैं। सोली एक रडार चिप है जिसे गूगल की नई श्रृंखला की पिक्सल फोनों में लगाया गया है। इस प्रौद्योगिकी में एक विशेष रेडियो आवृत्ति का उपयोग किया जाता है जिसकी भारत में निजी कंपनियों को उपयोग करने की अनुमति नहीं है। इसी कारण गूगल ने अपने पिक्सल 4 एक्सएल एवं पिक्सल 4 स्मार्टफोनों को भारत में लॉन्च ना करने की घोषणा की है। मोशन सेंस केवल उन्हीं देशों में कार्य करेगा जहां व्यावसायिक उद्देश्यों हेतु एक आवृत्ति बैंड के उपयोग को अनुमोदन प्रदान किया गया है। इस सूची में अमेरिका, कनाडा, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, ताइवान, अधिकांश यूरोपीय देश शामिल हैं। भारत ने अभी इस तकनीक का अनुमोदन नहीं किया है। अब बात करते हैं हम लोग ब्लैक गोल्ड विकसित रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री द्वारा विकसित एक वैज्ञानिक जर्नल केमिकल साइंस द्वारा 3 जुलाई 2019 को जारी एक शोध पत्र के अनुसार मुंबई स्थित टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने नैनो प्रौद्योगिकी की तकनीकी का उपयोग कर सुनहरे स्वर्ण को ब्लैक गोल्ड में रूपांतरित करने में सफलता प्राप्त की है। अनुसंधानकर्ताओं ने स्वर्ण नैनो कणों के आकार एवं उनके मध्य अंतराल को परिवर्तित किया है जिससे यह पदार्थ सूर्य के प्रकाश के समस्त दृश्य एक निकट आवर्त क्षेत्र को अवशोषित कर ब्लैक गोल्ड में परिवर्तित हो गया। काले रंग का होने के कारण इस स्वर्ण को ब्लैक गोल्ड नाम दिया गया। सौर ऊर्जा के अतिरिक्त ब्लैक गोल्ड कार्बन डाइऑक्साइड को भी अवशोषित कर सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को अवशोषित करेगा, उसे मैथेन में परिवर्तित करने में सक्षम है। स्पष्ट है कि जिस प्रकार प्राकृतिक वृक्ष CO2 सूर्य के प्रकाश तथा जल के उपयोग द्वारा खाद्य का उत्पादन करते हैं, उसी प्रकार ब्लैक गोल्ड कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित करने में सक्षम है और कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर उसे ईंधन एवं अन्य उपयोगी रसायनों में परिवर्तित कर देता है। उल्लेखनीय है कि सामान्यतः स्वर्ण में प्रकाश एवं CO2 अवशोषण के गुण नहीं होते हैं। अन्य प्रयोगों से यह भी प्रदर्शित हुआ है कि ब्लैक गोल्ड के प्रयोग द्वारा समुद्री जल को पेयजल में परिवर्तित किया जा सकता है। अब बात करते हैं किलोग्राम की नई परिभाषा। किलोग्राम की नई परिभाषा को देखते हैं। बीस मई 2019 को चार मापक इकाइयों किलोग्राम, एम्पियर, केल्विन और मोल की नई परिभाषाएं पूरे विश्व में लागू हो गई हैं। दशकों तक प्रयोगशालाओं में किए गए गहन वैज्ञानिक प्रयोगों के बाद 16 नवंबर 2018 को दुनिया भर में 60 देशों के मेट्रोलॉजिस्ट और नीति निर्माताओं ने इन चार इकाइयों की माप की नई परिभाषा के लिए सर्वसम्मति से सहमति व्यक्त की है। अंतर्राष्ट्रीय भार एवं माप ब्यूरो द्वारा फ्रांस के वर्साय में भार एवं माप की आम सभा की 26वीं बैठक में प्रतिनिधियों ने अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली की इकाइयों को फिर से परिभाषित करने के लिए मतदान किया है, जिसमें किलोग्राम, एम्पियर, केल्विन और मोल की परिभाषा बदल दी गई है। पुनर्परिभाषा में SI आधारित इकाइयों में किलोग्राम, एम्पियर, केल्विन और मोल के लिए सटीक संख्यात्मक मान सेट करके उन्हें क्रमशः फ्लांक नेतांक H, मूल विद्युत आवेश E, वोल्टजमैन स्थिरांक K और अवोगाद्रो स्थिरांक NA से परिभाषित किया गया। सेकेंड मीटर और कैंडला पहले से ही भौतिक स्थिरांक द्वारा परिभाषित थे। सबसे बड़ा परिवर्तन किलोग्राम के लिए होगा, जो अभी तक प्लेटिनम एरिडियम मिश्र धातु सिलेंडर द्वारा निर्धारित किया गया था, जिसे पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय भार और माप ब्यूरो में ले ग्रैंड के कहा जाता है। अब 1 किलोग्राम को प्लैंक नेतांक के आधार पर मापा जाएगा। प्लैंक नेतांक H बराबर 6.6560×10^-34 GS। नई परिभाषा के तहत एम्पियर मूल विद्युत आवेश के आधार पर परिभाषित किया जाएगा। मूल विद्युत आवेश E बराबर
1.6021 76 634 x 10^-19 सी। नई परिभाषा के तहत केल्विन को वोल्ट में नेतांक द्वारा परिभाषित किया जाएगा। वोल्टमैन नेतांक के बराबर 1.38049 × 10^-23 जे के। नई परिभाषा के तहत मोल को आवोग्राडो नेतांक द्वारा परिभाषित किया जाएगा। आवोग्राडो नेतांक बराबर 6.022 14076 × 10^23 मूल। ठीक है, अब बात करते हैं भारत की प्रथम स्वदेशी तकनीक से निर्मित सेमीकंडक्टर चिप्स। 27 फरवरी 2019 को बेंगलोर स्थित सेमीकंडक्टर कंपनी सिग्नल चिप्स चिप द्वारा 4G LTE और 5G NR मॉडेम्स के लिए भारत की प्रथम स्वदेशी तकनीक से निर्मित सेमीकंडक्टर चिप्स का अनावरण किया गया। भारत 1.1 बिलियन से अधिक मोबाइल फोन उपयोगकर्ताओं के साथ विश्व में सर्वाधिक मोबाइल फोन इस्तेमाल करने वाले देशों में से एक है। ऐसे में सिग्नल चिप्स ने हाई परफॉर्मेंस और किफायती प्रणालियों का सृजन किया है जो नेटवर्क के घनी भवन को समर्थ बनाता है। सिग्नल चिप्स के द्वारा डिजाइन की गई 4 चिप्स SCBM 3412 एकल डिवाइस में बेस बैंड और ट्रांसीवर सेक्शन सहित एकल चिप 4G मॉड एंड LTE मॉडेम। फिर दूसरी है SCBM 3404 सिंगल चिप 4x4 LTE बेस बैंड मॉडेम। SCRF 3402 LTE के लिए 2x2 ट्रांसवियर। फिर है चौथी SCRF 4502 ये 5GNR मानकों के लिए 2x2 ट्रांसीवर। ये चिप्स RF खंड 6 GHz तक के समस्त LTE 5GNR बैंड्स को कवर करेंगे। अब बात करते हैं परम शिवाय सुपर कंप्यूटर के बारे में। 29 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परम शिवाय नामक सुपर कंप्यूटर का लोकार्पण किया है। यह राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर मिशन के अंतर्गत CDEC द्वारा डिजाइन एवं निर्मित पहला सुपर कंप्यूटर। यह सुपर कंप्यूटर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बनारस वाराणसी में स्थापित है। परम शिवाय कंप्यूटर की अधिकतम संगणना क्षमता 833 टेराफ्लॉप्स है। यह सुपर कंप्यूटर 32.5 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित किया गया है। इस सुपर कंप्यूटर का लाभ IIT BHU के संकाय सदस्य विज्ञानकों और शोध छात्रों को प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त पूर्वी उत्तर प्रदेश के आसपास के क्षेत्रों के इंजीनियरिंग कॉलेजों के शोध छात्रों के साथ साथ सरकारी शोध प्रयोगशालाओं से संचालित राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाएं भी इस सुपर कंप्यूटर से लाभान्वित होंगी। इसके अलावा इस सुपर कंप्यूटर के माध्यम से नवोदय विद्यालयों के छात्र आधारभूत सुपर कंप्यूटरों से कंप्यूटरिंग से परिचित हो सकेंगे। बात करते हैं राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति 2019। 19 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति 2019 स्वीकृति प्रदान की है। यह नीति राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति 2012 का स्थान लेगी। इस नीति के उद्देश्य निम्न है: 2025 तक कुल बिक्री में $400 बिलियन का लक्ष्य प्राप्त करने हेतु इलेक्ट्रॉनिक्स अभिकल्प प्रणाली एवं विनिर्माण क्षेत्र की संपूर्ण मूल श्रृंखला में घरेलू विनिर्माण एवं निर्यात को बढ़ावा देना, ESDM उद्योग हेतु व्यापार सुगमता में सुधार करना, 5G इंटरनेट ऑफ थिंग्स कृत्रिम बुद्धिमत्ता मशीन लर्निंग ड्रोन रोबोटिक्स नैनो आधारित उपकरण आदि जैसी उभरती हुई प्रौद्योगिकियों में एक व्यापक स्टार्टअप पारितंत्र को प्रोत्साहन
करना है, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण सेवाओं में एक वैश्विक नेतृत्वकर्ता बनना है, सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत प्रत्येक राज्य में पर्यावरण अनुकूल तरीके से ई अवशिष्ट के प्रसंस्करण हेतु इको पार्क स्थापित करना है, ई एफडीएम क्षेत्रों में आईपी के विकास एवं अधिग्रहण को बढ़ावा देने हेतु सोवरन पेटेंट फंड बनाया जाए। बात कर लेते हैं हम लोग 106वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस को देख लेते हैं। 106वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन 3-7 जनवरी 2019 के मध्य लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी फगवाड़ा पंजाब में किया गया है। यह द्वितीय अवसर है जब भारतीय विज्ञान कांग्रेस किसी निजी संस्थान में आयोजित की गई है। उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व वर्ष 2012 में 99वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस के आईआईटी विश्वविद्यालय भुवनेश्वर में आयोजित की गई थी। 106वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का केंद्रीय विषय रहा है भविष्य का भारत, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। इस वर्ष भारतीय विज्ञान कांग्रेस की अध्यक्षता प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर मनोज कुमार चक्रवर्ती ने की। 30 जनवरी 2019 को इस 5 दिवसीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। 3 नोबेल पुरस्कार विजेताओं, भारत के केंद्रीय मंत्रियों, वैज्ञानिक नीति निर्माताओं, प्रशासकों एवं विख्यात वैज्ञानिकों, युवा अनुसंधानकर्ताओं एवं स्कूली बच्चों सहित देश एवं विदेश के 30,000 लोगों ने इस कांग्रेस में भाग लिया है। जिन 3 नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिकों ने इस कांग्रेस में भाग लिया वे हैं जर्मन अमेरिकी जैव रासायनिक शास्त्री प्रोफेसर थॉमस सोडोब, इन्हें वर्ष 2013 में नोबेल प्राइज दिया गया था चिकित्सा के विज्ञान के लिए। ठीक, फिर इजराइल जैव रासायनिक शास्त्री प्रोफेसर अवराम हर्ष को, इन्हें वर्ष 2004 में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। फिर ब्रिटेन में जन्मे भौतिकविद फ्रेडरिक डंकन माइकल हाल्डेन, वर्ष 2016 में भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। भारतीय विज्ञान कांग्रेस के दौरान 4 जनवरी 2019 को राष्ट्रीय किशोर विज्ञान सम्मेलन का आयोजन का उद्घाटन नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिकों अवराम हर्सको तथा फ्रेडरिक डंकल माइकल हाल्डेन ने किया है। उल्लेखनीय कि राष्ट्रीय किशोर वैज्ञानिक सम्मेलन का आयोजन का उद्देश्य 10 से 17 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को विज्ञान के क्षेत्र में नवाचार एवं अनुसंधान हेतु प्रोत्साहन करना है। 5 जनवरी 2019 को महिला विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी ने किया था। 6 जनवरी 2019 को 2 दिवसीय विज्ञान संचारक सम्मेलन का उद्घाटन इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद ने किया था। 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन 3-7 जनवरी 2020 के मध्य यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज बेंगलोर में किया जाएगा। वर्ष 2020 में आयोजित होने वाली भारतीय विज्ञान कांग्रेस की अध्यक्षता मैसूर प्रोफेसर के प्रोफेसर के एस रंगप्पा द्वारा की जाएगी। ठीक है, तो याद रखना 20वीं कहाँ की जाएगी, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज बेंगलोर में। आगे देखते हैं, आगे लिखी खबर है केगा फर्स्ट ने रचा विश्व कीर्तिमान। 10 दिसंबर 2018 को कर्नाटक स्थित परमाणु रिएक्टर केगा उत्पादन केंद्र 1 ने 941 दिनों तक निर्बाध रूप से लगातार विद्युत उत्पादन करके विश्व कीर्तिमान स्थापित किया है। यह विश्व में किसी भी प्रकार के नाभिकीय संयंत्र की तुलना में सर्वाधिक अवधि तक निर्बाध रूप से संचालित रहने का विश्व रिकॉर्ड है। उल्लेखनीय है कि इसके पूर्व यह विश्व कीर्तिमान यूनाइटेड किंगडम के हैसाम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र 2 की इकाई 8 के नाम था, जिसने लगातार 940 दिनों तक विद्युत का उत्पादन किया था। हालांकि केगा उत्पादन केंद्र एक दाबित भारी जल रिएक्टर है, जबकि हैसाम 2 इकाई 8 एक उन्नत गैस कूल्ड रिएक्टर है। केगा संयंत्र कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में काली नदी पर स्थित है। केगा फर्स्ट यूरेनियम से चलने वाला स्वदेशी निर्मित रिएक्टर है। इसका वाणिज्यिक परिचालन 16 नवंबर 2000 को प्रारंभ हुआ था। केगा का उत्पादन एक केंद्र की क्षमता 220
220 मेगावाट है। जून 2018 में केगा ने 766 दिनों तक निर्बाध संचालन का राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया था, जबकि 25 अक्टूबर 2018 को केगा ने 25 अक्टूबर 2018 को केगा ने दाबित भारी जल रिएक्टरों की श्रेणी में सर्वाधिक अवधि तक निर्बाध रूप से संचालित रहने का विश्व रिकॉर्ड बनाया था। ठीक, तो ये है हमारा अद्यतन तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी। आगे बात करेंगे शरीर एवं स्वास्थ्य विषय वैज्ञानिक गतिविधियां। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग शरीर एवं स्वास्थ्य विषय वैज्ञानिक गतिविधियां।